देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं गुंजन, हाजिर में आपके क्षेत्र आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों को समेटे खबरें विस्तार से किंतु थोड़ी देर में। बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शहर के विभिन्न केंद्रों पर संपन्न हुए। इसके लिए 9 केंद्र बनाए गए थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा शहर के विभिन्न केंद्रों पर संपन्न हुई। परीक्षा संचालन के लिए 9 केंद्र बनाए गए थे। बीकेडी बालक उच्च विद्यालय, प्लस टू राज उच्च विद्यालय, प्लस टू सुंदरपुर उच्च विद्यालय बेला, प्लस टू एमएलए एकेडमी लहरियासराय, प्लस टू शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहरियासराय, प्लस टू आरएनएम बालिका उच्च विद्यालय, एमआरएम बालिका उच्च विद्यालय, सर्वोदय उच्च विद्यालय, पूर्वांचल उच्च विद्यालय। परीक्षा केंद्रों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया था। डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद सिंह अनुमंडल दंडाधिकारी सदर द्वारा दरभंगा अनुमंडल अंतर्गत स्थित उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में, जिसमें कि जो जितने भी ट्रेंड हैं, जो 2 वर्षीय प्रशिक्षित हैं या बीएड किए हुए हैं, उन दोनों के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई है। 2 शिफ्ट में, 2 पाली में परीक्षा हुई है यहाँ पर जिला स्कूल में। पहली पाली में थी पहली कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक के लिए, जो कि 10 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक की थी। 10 बजे से 12:30 तक की परीक्षा थी। और द्वितीय पाली है 6 to 8 वर्ग के लिए, छठी से आठवीं वर्ग के लिए 2 से लेकर के 4:30 बजे तक 2.5 घंटे की परीक्षा है। परीक्षा यहाँ बिल्कुल शांत वातावरण में और स्वच्छता पूर्वक हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई। सरफराज आलम के साथ सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। बारिश थम गई, लगातार धूप भी खिल रहा, इसके बावजूद भी वार्ड नंबर 3 अंबेडकर नगर टोला में नारकीय स्थिति बनी हुई है। जल जमाव की समस्या विकराल रूप धारण किए हुआ है और वार्ड के 3 की जनता सड़क पर उतर आई है नगर निगम प्रशासन के खिलाफ। बेला सड़क को वार्ड 3 की जनता ने घंटों जाम कर दिया, टायर जलाकर आगजनी की और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कहा जल्द निकासी की व्यवस्था नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हमारी मांग सुननी होगी, जल जमाव से मुक्ति चाहिए हमें। पूरे मकान से पानी घुस गया, पूरे घर से नंद बन गया,
पॉइंट भिजा ले लिया देखो जीना काम होता सब ना होते रे चल चल यो लेकिन यहां लोग सब घर छोड़ के कैसे चीज खाती है पानी सब है रुक रे रुक रुक जा रुक जा नागा तक ले चल रे गौर देखे पानी में कितना दे लहा है वार्ड तीन की जनता नगर निगम प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतर आई और जमकर नारेबाजी भी किया, टायर जलाकर आगजनी भी की। बीमारी हो जाएगा इसका, पानी खराब हो गया, खराब है। के किनारे से लेकर के और कंगवा गुमती तक बीच का जितना भी मोहल्ला है वह बरसात के समय में पूरी तरह जलमग्न रहता है। लोगों को आने जाने में कठिनाई होती है जिससे महामारी का शिकार होता है। बहुत सारे बच्चे इन्फेक्टिस या अन्य सारे बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिसके लिए बार बार नगर प्रशासन जिला प्रशासन से आग्रह करने के बाद कहे कि दो दिन में इसका निदान कर देते हैं, लेकिन आज तक इधर कोई घूम करके देखने के लिए नहीं आए। आक्रोश में जनता को यह कदम उठा आज जो है तो पूरा पूरा फुंसी में कोई छिड़काव किया गया है, नगर निगम के तरफ से कुछ हुआ है, इसीलिए हम नगर निगम से अनुरोध करना चाहते हैं नगर आयुक्त से कि अविलंब आकर के ये पानी साफ करवावे, नहीं तो ये जाम आपका जारी। हमारे पोता डूबा लगल, हम पकड़ लेंगे पोता के, एते के पानी हेल के जाए छी, अबे के पानी कब करे, साफ किरा दुनिया में साफ किरा है, जा छै नै सुले कह के हमने बनावे रो पानी अपना पर गोड़ लगे बात नै सुना मिले नै बनावे नै चुना मिले नै कुछ ये बात कौन बोला सब की देवी बोला कि हम पर हमने रोड पर हम कोई दे दिया, हम नै जीते, हम रोड नै बना जो करना से नगर निगम से एप्लीकेशन भी लिख के दिए हैं यार, कुछ चला चल आज मोहल्ला वासी रोड जाम किए हैं, 10-12 दिन से पानी जमा हुआ है, कोई मेरे पास नहीं आया, लेकिन फिर भी हम नगर निगम को जानकारी दिए, सूचना दिए, तो अभी तक तो आप जानते ही हैं कि दरभंगा शहर में जल जमाव कहीं न कहीं गड्ढा गुड्ढी सब में है, ये रोड सड़क रहता है तो नाला रहता है तो ना पानी पास करेगा, तो ये तो नीचे में घर बनाया हुआ है, उधर एक पॉइंट है, इधर रोड है, तो आप बताइए जो रोड का वो गड्ढा का पानी जाएगा किधर। तो इस समस्या को लेकर के ई बार नहीं, पहली बार नहीं है, जब से मैं पार्षद बनी हूँ तब से भी पंपिंग सेट लगवा करके हम लोगों ने पानी को निकलवाए, दो बार जेसीबी लगा करके हम लोग निकलवाए, उसके बाद पानी का समस्या फिर भी बढ़ते गया, जब बारिश होती है, जब थोड़ा भी बारिश हो जाए तो घुटना भर पानी आ जाता है उसमें, तो निकालने का जगह नहीं है,
समस्या तो कम से कम नगर निगम को सोचना चाहिए कि इसका निदान कैसे हो। वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्र निर्माण में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय में। स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्र निर्माण में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय में। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने उद्घाटन किए। संतोष झा, मिड टाउन की ओर से जीएसटी पर कार्यशाला का आयोजन किया गया लोहिया धर्मशाला में। जीएसटी पर कार्यशाला का आयोजन किया गया रोटरी क्लब मिड टाउन की ओर से लोहिया धर्मशाला में। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंसियरली वेलकम जॉइंट कमिश्नर विद रोटरी क्लब मिड टाउन। वी आर ऑर्गेनाइजिंग जॉइंट कमिश्नर कमिटेड एक्सेस पटना अशोक कुमार भाजी। I welcome other officials of the Department of Commerce and Taxes, Saurabh Kumar Singh, Secretary of the Chamber of Commerce, Pawan Kumar Sulka ji, Association, Sushil ji, Dr. Sushil ji. एकदम नहीं, आप यहाँ से जाएंगे तो आप देखेंगे कि जीएसटी कितना सहज है। एक भ्रांति थी 37 रिटर्न का, आप देखेंगे गवर्नमेंट ने जानबूझकर किया है ताकि एक आदमी जो काम करे उसका फायदा दूसरे को, लेकिन भ्रांति दूसरी फैलाई गई। अब हम शुरुआत करते हैं, यानी मिडटर्म भाई हो निर्णय आ रहा हूँ क्या ही करवा रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि टीचर खुद फिंगर डुबा करके उसका टेस्ट ले लिए हो और ले चुके हैं, फिर उनकी मजबूरी हो गई और सारे स्टूडेंट्स ने जो लड़के लड़कियाँ थी फिर वहाँ पे कारण उसका टेस्ट लिया। सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। बचाओ भाजपा भगाओ रैली जो पटना में 27 अगस्त को आयोजित होने जा रहा है, इसकी सफलता को लेकर महानगर राजद की ओर से बैठक हुई मुसासा मध्य विद्यालय में। देश बचाओ भाजपा भगाओ 27 अगस्त को पटना में रैली आयोजित होने जा रही है, इसकी सफलता को लेकर महानगर राजद की ओर से बैठक हुई मूसा शाह मध्य विद्यालय में। कम हो किसी सभी जगह ऐसी बात नहीं है और लोग चाहते भी हैं, तो आप उसका लाभ लीजिए। जो मेरा सहयोग था मैं आपको करने तैयार हूँ, और ये तो गरीब लोग के मसीहा हैं लालू जी, गरीब लोग बहुत कुछ सोचे हैं बहुत कुछ किए हैं, इसलिए हम लोग को सबको मिलकर इनका सहयोग करना चाहिए और इन्हीं को बहुत अच्छी सरकार बनाकर हम लोग को इसका कदम से कदम मिला के सबको एक होके और इन्हीं को पटना लेके जाना चाहिए। जितनी ज़्यादा संख्या अपने लोग जाएगी उतनी अपना अच्छा दरंगा का नाम होगा और उतनी वहाँ लोग इकट्ठित हो गए और उतनी अच्छी रैली अपनों की बनेगी। इसी साथ में अध्यक्ष माननीय नगर अध्यक्ष माननीय धर्मेंद्र कुमार महतो जी को आमंत्रित कर रहे हैं, इससे पहले एक बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि तैयारी देश बचाओ भाजपा भगाओ सभी आवाज गार्जियन लोग जो आदेश दिए हैं जो कार्य दिए हैं, मैं सभी साथी से सहयोग की अपेक्षा रखता हूं कि सभी लोग सहयोग करें और इस संगठन को महानगर की ओर मजबूती प्रदान करने का। वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। इंडो ग्लोबल स्किल प्रोग्राम के तहत डॉन बॉस्को स्कूल के प्राचार्य एसएच आदि को सम्मानित किया गया।
यह सम्मान स्कूल के मैट्रिक एवं इंटर के बेहतर परीक्षा परिणाम को लेकर इंडो ग्लोबल सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। इंडो ग्लोबल स्किल प्रोग्राम जो बॉम्बे में आयोजित किया गया था, प्रोग्राम के में डॉन बॉस्को स्कूल के प्राचार्य एसएच आवदी को सम्मानित किया गया इंडो ग्लोबल सम्मान से। ये इंडो ग्लोबल स्किल समिट बॉम्बे में भी ये प्रोग्राम हुआ था और बॉम्बे में ये अवार्ड मिला था डॉन बॉस्को को, इसको हमें मिला था स्किल डेवलपमेंट पर, और बॉम्बे के 5-स्टार होटल में शीला होटल है उसी में ये मिला था हम लोगों को। और ये स्कूल के लिए गर्व की बात है, हमारे लिए खुद भी गर्व की बात है, और मैं इस पूरे अवार्ड को अपने स्कूल को डेडिकेट करता हूँ। और बिलाशुबा आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का सहयोग, दरभंगा का सहयोग रहा है मुझे, जो मुझे ये सम्मानित किया गया, और मैं पूरे दरभंगा मिथिला को इस अवार्ड के लिए जोड़ता हूं, क्योंकि बगैर उनकी दुआओं के, बगैर उनके सहयोग के लिए ये अवार्ड नहीं मिलता हमें। तो मैं एक बार फिर तमाम दरभंगा वासियों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, और अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, अपने तमाम टीचर्स को भी मैं इसका धन्यवाद देना। संतोष झा, BTN न्यूज। सत्य साई सेवा संगठन की ओर से सर्राफ ऑर्थो सेंटर ने हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया। सत्य साई सेवा संगठन की ओर से सर्राफ ऑर्थो सेंटर में हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। जाए कि लोग इसका लाभ उठाए, जब हम आएंगे, जुड़ेंगे, देखेंगे, वाटर निशुल्क रूप से मिलना चाहिए, फ्री मानव जाति, शिक्षा में कोई शुल्क लगना नहीं, वहाँ पर निर्माण किए हैं और इस संगठन का निर्माण किए हैं। इस संगठन के माध्यम से हम लोग सभी मिलकर, क्योंकि देखिए एक स्पष्ट होना चाहिए, इस ऑर्गेनाइजर में ना तो किसी से चंदा लिया जाता है, ना कोई संस्था से सब साई सेवा ऑर्गेनाइजर के तरफ से एक पैसा यहाँ लोकल अथॉरिटी को या किसी काम के लिए मिलता है। आपस में सहयोग कर आपसी लोकल सहयोग लेकर हम लोग काम करते हैं। एक क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, मिलकर अपने क्षमताओं के अनुसार इस कार्यक्रम को संगठन में संचालित करते हैं, इसमें किसी को डाउट और संदेह नहीं होना चाहिए। शिक्षा में समय हो सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। अपनी मांगों एवं छात्र हित की समस्याओं को लेकर 28 जुलाई को होने वाले रैली सह प्रदर्शन को सफल के उद्देश्य से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बैठक की रामगंज। विक्रेताओं को पहचान पत्र निर्गत करने, वेंडिंग जोन मार्केट का शीघ्र निर्माण करने की मांग पर विचार करने हेतु जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ ने बैठक की। सर्वे का फुटपाथ विक्रेताओं को पहचान पत्र निर्गत करने, वेंडिंग जोन मार्केट का शीघ्र निर्माण करने की मांगों पर विचार करने हेतु जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ ने बैठक की। सर्वे कार्यालय में तमाम उपस्थित फुटपाथ भाई, हम भी आशा रहे हैं और पार्षद रहते हुए मेरा सोच ऐसा रहा कि फुटपाथ से ही जुड़े हैं और फुटपाथ से जुड़े हुए रहते हैं। आज से 2 साल पहले कठिगारा में पार्षद रहते हुए भी हम पानपुड़िया फोटो स्टेट जो भी हुआ फुटपाथ पर किए, उसके बाद पार्षद मात्र 40 लोग से टिकट होने के कारण अब हम कुल पार्षद हो गए हैं और नगर निगम से जुड़े हुए हैं, और अभी फिलहाल पुराना दुकान को मॉडलिंग करके नया एक रास्ता घर को उद्घाटन किया है,
पुराना था उसको नया मॉडलिंग करके बनाया है और आप लोग के आशीर्वाद से हमको मालूम चला है कि यहाँ वार्ता का पुनः ध्वज बनाया जा रहा है। तो हम आपसे विनती करते हैं और आपसे वादा करते हैं कि जो भी फुटफाट भाइयों को जो परेशानी होगा और कहीं भी समस्या होगा खड़ा तत्पर रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और हम लोग आपसे आग्रह करते हैं कि मन को कभी छोटा मत कीजिए। हम लोग प्रशासन से विनती कर कर हाथ जोड़ कर जो हमारा मांग होगा उस मांग को ला के हम लोग रखेंगे। फेडरेशन शहर स्तरीय फुटफाट विक्रेता समिति की मीटिंग महानगर अध्यक्ष कारीगामी की अध्यक्षता में हो रही है और इस मीटिंग में सर्वसम्मति से DLF टाउन लेवल फेडरेशन का पुनर्गठन करते हुए पूर्व अध्यक्ष जमील अख्तर को कार्य मुक्त करते हुए पूर्व पार्षद माननीय सुबोध प्रसाद को इस मीटिंग में सर्वसम्मति से TLF का अध्यक्ष चुना गया है और इस संगठन का विस्तारीकरण और सांगठनिक ढांचा कैसे मजबूत हो इस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और बड़ी लंबे संघर्ष के बाद नगर निगम के द्वारा जो पहचान पत्र फुटपाथ दुकानदारों को मिलना शुरू हुआ है इसके लिए हम नगर आयुक्त को धन्यवाद देते हैं। और वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। चलते चलते खोए हुए बच्चे के संबंध में सूचना। वार्ड नंबर 21 सेनापत मोहल्ला निवासी श्याम राम का 10 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार दो दिनों से लापता है। वह कम बोलता है, तुतलाता है। इसके संबंध में किन्हीं को यदि किसी कोई भी जानकारी मिलती है या सूचना मिलती है तो कृपया BTN कार्यालय को इस संबंध में जानकारी देंगे। ये थी अब तक के समाचार। विदा लें आपसे इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।